फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी कॉर्न की रेसिपी। जो मार्केट में मिलते हैं ना, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी कॉर्न, बस वही बनाएंगे। एकदम जल्दी से बन जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी कॉर्न, स्वीट कॉर्न जो आते हैं वही वाले कॉर्न लिए। इनको बॉइल कर लिया है और इनका जो पानी था वो निकाल दिया है, इनको छान लिया है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कॉर्नफ्लोर की, साथ ही में हम यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ नमक, तो आधा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक लिया है, इसको भी डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्ची का पाउडर और आधा चम्मच ही हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर। बस सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि जो कॉर्न फ्लोर है ना वो अच्छे से इस पर कोट नहीं हो जाता और सारे मसाले अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते। तो ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको लगता है अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा, अगर थोड़ा पाउडर रह रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक चम्मच पानी डाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि पाउडर रह रहा है इस पर। तो ये जब तक अच्छे से कोट नहीं हो जाएंगे ना तो ये क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको कोट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से कोट कर लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये बिल्कुल रेडी हैं कॉर्न, बस अब इन कॉर्न को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने गैस पर ऑलरेडी कढ़ाई रख दी है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, फ्राई करते टाइम पर भी और गर्म करते टाइम पर भी, दोनों टाइम पर भी ऑयल का जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम होना चाहिए। ये देखिए, इस तरीके से जब बबल्स आने लगे ना, अच्छा ऑयल गर्म हो तभी आप कॉर्न को डालिएगा। ठंडे ऑयल में कॉर्न मत डालिएगा, वरना ऑयल भर जाएगा, और एकदम बहुत ज़्यादा गर्म में भी मत डालिए वरना एकदम से जल जाएंगे। तो ये देखिए, हमें क्रिस्पी करने हैं तो इनको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इस तरीके से चलाते हुए सेकेंगे, जिससे कि चारों तरफ से अच्छे से एक जैसे सिक जाए और बढ़िया सा इन पर कलर आ जाए। जब तक इन पर बढ़िया सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता ना, तब तक इनको फ्राई करेंगे। और इनको बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि कॉर्न है बहुत जल्दी सिक जाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लगभग बिल्कुल सिक चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं, बढ़िया सा कलर भी आ गया है इन पे, और देखिए कितने फूले फूले से बने। बस इनको निकाल लेंगे, बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो गैस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इनको झटपट से आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी कोई कुछ अच्छा खाने का हो या फिर कोई छोटी मोटी पार्टी हो ना, तो इस तरीके का स्नैक्स बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे कॉर्न को फ्राई कर लिया, और ये देखिए कितने क्रिस्पी से बढ़िया से कॉर्न बिल्कुल रेडी है। चाहें तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, और बच्चों को तो ये ऐसे खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, उनको तो ऐसे ही खाना बहुत पसंद होता है इनको। अगर आप चाहें तो इनको और थोड़ा सा चटपटा करके खाना चाहते हैं तो इनकी चाट बनाकर भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे एक बाउल में इन कॉर्न को डाल देंगे, और साथ ही में हम इसमें कुछ वेजेस डाल देंगे, जो भी आपको पसंद हो वो आप सारी वेजेस इसमें डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे प्याज टमाटर हरी मिर्ची कट करके डाल दिए, साथ ही में थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल देंगे, और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा नमक, आप चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया भी कट करके डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर चटपटी सी चाट बिल्कुल रेडी है। तो ये तो हो गई हमारी सिंपल सी चटपटी चाट। और अगर आप चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं तो आप जैसे हम मंचूरियन के लिए सॉस बनाते हैं ना, बस उसी तरीके की ग्रेवी या सॉस बनाइए, थोड़ी थिक सी, और उसमें ये कॉर्न डाल दीजिएगा फ्राई किए हुए। तो चटपटा सा हमारा चाइनीज़ स्नैक्स भी रेडी हो जाएगा, बहुत झटपट वाला। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।